इस प्रॉब्लम में एक लड़का लाइट पोल के पास खड़ा है। ये उसकी शैडो है। जब वो लाइट पोल से दूर एक तरफ 5 फीट पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू करता है, तो प्रॉब्लम ए में हमें ये बताना है कि उसकी शैडो की टिप किस रेट से चेंज हो रही है। वहीं प्रॉब्लम बी में शैडो की लेंथ में होने वाले चेंज को बताना है। पोल की हाइट 15 फीट है और इस लड़के की हाइट 6 फीट है। इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरह ट्रायंगुलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्रायंगल की इस साइड को हम लाइट पोल, जबकि लड़के को इस तरह डिनोट करेंगे, यानी ये लेंथ 15 और ये 6 फीट होगी। हमें ये लेंथ नहीं पता है, इसलिए हम इसे x और लड़के की शैडो की लंबाई को y मान लेंगे। हमें यहाँ पे दो चीजें x और y पता करनी है। यहाँ पे हमारे पास x पता करने का एक क्लू है और वो है x के बदलने की दर। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि लड़का फिक्स रेट से इस तरफ चल रहा है। इसके अलावा हमें और क्या क्या पता है? Yes, x और y रिलेटेड हैं। आइए ट्रायंगल की इस साइड को i मान लेते हैं। i x और y का सम होगी। ओके, यहाँ पे दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए अपना सॉल्यूशन कुछ इस तरह शुरू करेंगे। y अपॉन 6 इक्वल्स x प्लस y अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 15y इक्वल्स 6x प्लस 6y हो जाएगा। 6y को LHS में लाके 15y से घटाने पे रिजल्ट में हमें 9y मिलेगा, यानी ये ओवरऑल 9y इक्वल्स 6x हो जाएगा। RHS में जाके 9 6x को डिवाइड करेगा, यानी रिजल्ट में हमें y इक्वल्स 2x अपॉन 3 मिलेगा। तो अपने पहले स्टेप में हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए इन प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स को फिगर आउट करके y को x के टर्म्स में सॉल्व किया। दूसरे स्टेप में हम वो रिलेशन पता करेंगे जो हमें बताएगी कि टिप किस स्पीड से मूव कर रही है। ये पता करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका भी रेट ऑफ चेंज वही है जो i का है। i x और y का सम है, इसलिए i को हम कुछ इस तरह लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन में हमने y को x के टर्म्स में लिखा है। y की ये वैल्यू हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट की थी। RHS के दोनों टर्म्स के वेरिएबल्स सेम है, इसलिए हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। दोनों टर्म्स को ऐड करने पे हमें 5x अपॉन 3 मिलेगा। तीसरे स्टेप में हम i का रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए LHS और RHS का टाइम डेरिवेट करेंगे। प्रॉब्लम में हमें ये क्वांटिटी पहले ही बताई गई है। इसे 5 से रिप्लेस करके सॉल्व करने पे रिजल्ट में हमें 25 अपॉन 3 मिलेगा। हाँ, इसकी यूनिट फीट पर सेकंड होगी। आसान था ना? इस प्रॉब्लम में हमें बस प्रोपोर्शन फिगर आउट करना था। मेरे हिसाब से इसका टफेस्ट पार्ट ये रियलाइज करना था कि टिप और आई का रेट ऑफ चेंज सेम है, तो आई और एक्स के बीच रिलेशनशिप पता करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस डायग्राम में शेडो को वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए शेडो की लंबाई में जाने वाले परिवर्तन की दर को dy अपॉन dt से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन स्टेप्स को इरेज करके इस एक्सप्रेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। y के टर्म्स में x को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। हमें पता है कि i x और y का सम है, इसलिए सेकंड स्टेप में हम x को उसके रिस्पेक्टिव टर्म से रिप्लेस कर देंगे, यानी i को हम y और 3y अपॉन 2 का सम लिख सकते हैं। दोनों टर्म्स के वेरिएबल सेम है, इसलिए इन्हें ऐड करने पे हमें 5y अपॉन 2 मिलेगा। प्रॉब्लम ए में हमने शैडो की टिप का रेट ऑफ चेंज यानी dl अपॉन dt 25 अपॉन 3 कैलकुलेट किया था, इसलिए थर्ड स्टेप में हम dl अपॉन dt को 25 अपॉन 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में LHS और RHS का टाइम डेरिवेटिव लेके LHS को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस करने पे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन को dy अपॉन dt के लिए सॉल्व करने पे हमें फाइनल रिजल्ट 10 अपॉन 3 फीट पर सेकंड मिलेगा। Yes, प्रॉब्लम बी की वैल्यू हमें 10 अपॉन 3 मिली है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशन पता करना शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, बाकी डेरिवेटिव पार्ट बहुत आसान है। ओके, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।